तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फ्रेंड्स आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो आप लोगों को बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पीडीएफ दिए थे 3-3 नंबर्स के, हमने उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन बताए थे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे के पूरे जितने भी 3-3 मार्क्स के लघुत्तरी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पीडीएफ से फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि जिन स्टूडेंट्स ने उस पीडीएफ से तैयारी की थी उन लोगों के मेरे पे इतने सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारा भला हो गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो मैं उन छात्रों को कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे पास जो है बहुत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपकी हमेशा ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ है उसकी मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँगा जिससे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको पूछा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी माइक्रोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, इसको हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले में क्लोन, तो जिन्होंने क्लोन लिखा है उनका एक नंबर कन्फर्म हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर ने काम किया, थॉमसन हंट नॉर्गर। क्वेश्चन नंबर थर्ड था पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक है, तो इसमें भरा जाएगा फ्रेंड्स SCP। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हुए हैं ऊपर कॉर्नर में, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से आपने 5 क्वेश्चन के आंसर ये वाले लिखे हैं, तो समझ लीजिए आपके 5 नंबर कन्फर्म हो गए। इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप था जिनमें आपको सही आंसर पर टिक लगाना था। तो पहला क्वेश्चन था आपका अध्यावर्डी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो इसका आंसर है, मैं आपको यहाँ पर PDF दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहां पर ये लिया हुआ है यानी न्यूक्लियस, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है न्यूक्लियस। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है, तो इसमें 21st ये वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है माइक्रोराइजा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो इसका आंसर नंबर 1 सही है 2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है एजेटोबैक्टर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपने 5ों के ऑप्शन टिक लगाए हैं तो आपके 5 नंबर यहां से आ सकते हैं। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना था, यानी जितने भी एक एक मार्क के क्वेश्चन थे उनके आपको यानी एक शब्द में आंसर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था वाई विच मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किस पद्धति से होता है, तो इसको हम बोलते हैं कोनोडिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, यानी बाय विच क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, तो XX and XY ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एथोनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी विच ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 3 लिखा हुआ है सैक्रोमेटिस क्रिसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 नेम द एंजाइम विच इज कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस, तो इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ आए हुए हैं, जो OT है एक एक नंबर के क्वेश्चन है काफ़ी टफ आए हुए हैं, लेकिन 3-3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको PDF दी थी
वो पूरा का पूरा फंसाए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का वास होता है? 90%। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहला वाला ये 5वें नंबर से मिलाया जाएगा पुरुष बंधकरण वसेक्टोमी को। इसके बाद ये दूसरा वाला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये बिग बैंग से मिलाया हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से मिलेगा। इसके बाद है पॉलिंड्रोमिक, ये आपका डीएनए से मिलेगा। इसके बाद जो पारिस्थितिक तंत्र है वो टॉन्सिल से मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 20 नंबर के पूरे आंसर बता दिए हैं। इसके बाद जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए, समवृत्ति अंग तथा समजात अंगों का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, और हर स्टूडेंट को पर्सनली मैंने इस वीडियो को उसके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपने वहां से सॉल्व कर दिया होगा, ये 4 नंबर का देखो फंसा है आपके एग्जाम में। इसके बाद सहज प्रतिरक्षा एवं अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिजन क्या है, ये वाला क्वेश्चन का मैंने आपको स्पेशली बताया हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ये एड्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का, मैंने इस क्वेश्चन का स्पेशली वीडियो बना करके हर स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था। जिन्होंने उस वीडियो को पढ़ा उनको यहाँ से 4 नंबर कन्फर्म आ गए होंगे। तो यहाँ पर 4-4 नंबर के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग, ये सारे के सारे मैंने अपने पीडीएफ में दे दिए थे कि इन क्वेश्चनों को आपको याद करके ही जाना है। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही खुशी की बात है, देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, स्वपरागण एवं परपरागण में 2 अंतर लिखो। मैंने पहले ही आप लोगों को स्पेशली अपने पीडीएफ में बता दिया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने करके बता दिया था ये आएगा, देखो आपके क्वेश्चन में आ भी गया। तो फ्रेंड्स ये है कुछ अपनी पीडीएफ के प्रूफ। जैविक ऑक्सीजन मॉक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी पीडीएफ से फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।